वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य शिक्षा डॉक्टर अमित मोहन प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने विभाग के PCPNDT अधिनियम 1994 का क्रियान्वयन, संचारी रोग व नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की और कहा कि टीकाकरण का कार्य समय से पूरा किया जाए तथा लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए उचित कारगर कदम उठाया जाए जिससे COVID-19 का काम समय से पूरा किया जा सके। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने 1 मार्च से चलने वाले संचारी रोग अभियान तथा 10 मार्च से चलने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों की समीक्षा की तथा निर्देश दिया कि दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती लोगों को दिमागी बुखार की जानकारी देने के साथ TB रोगी की भी खोज करेंगे जिससे 2025 तक देश को TB मुक्त देश बनाया जा सके। जो आपके डीजी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं और अधिकारीगण हैं, वो लोग फिर उस पर डिटेलिंग करेंगे, वो आपको डिटेल में बताएंगे। पहली बात तो ये है कि जो PCPNDT एक्ट है इसके संबंध में आप लोगों को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए और अभी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा और उसमें ये कहा कि साहब हम तो बहुत कोशिश करते हैं हरियाणा में कि लिंग का परीक्षण न हो, लिंग का और कोई इस तरह की गतिविधि ना हो, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश से सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने वहां पर लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जो चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे मैसेज भी करवाया था, अभी मैं जाने वाला हूँ, मुख्यमंत्री जी का एक मीटिंग है, हो सकता है कि ये बताए भी, तो इस पर आप लोग बहुत ही सतर्क रहेंगे, PCPNDT एक्ट का उसका पालन करवाते रहेंगे और PCPNDT एक्ट के जो चेकिंग्स होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होती है, उसमें केवल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिलाधिकारी ठीक है, तो उनको भी मैं मैसेज करवा दूंगा सारे जिलाधिकारियों को और कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत ही शीघ्र हम पूरे प्रदेश में एक बार चेक करवाएंगे, तो उसके बारे में भी, एक्ट के बारे में विस्तार से डीजी साहब बात करेंगे। दूसरी बात यह है जो इम्पोर्टेंट मुझे आप लोगों से करनी है, वो ये है कि 1 मार्च से हमारा संचारी रोग अभियान प्रारंभ हो रहा है और संचारी रोग अभियान जब एक अब तो एक एस्टैब्लिश ड्रिल है क्योंकि हम लोग 2-3 साल से कर रहे हैं और इसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं संचारी रोग अभियान के, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है वो जो अंतर विभागीय समन्वय या मल्टी सेक्टोरल अप्रोच से ही पब्लिक हेल्थ के इंडिकेटर्स इंप्रूव हो सकते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि इसने जो आपका संचारी रोग अभियान हो रहा है उसने न केवल हमें JEE AES में सफलता दिलाई बल्कि और कई भी और कई एस्पेक्ट्स में भी हमें उससे सहायता मिल रही है और जो संचारी रोग अभियान के दौरान हम दस्तक करते हैं, दस्तक को और मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में हमको एस्टैब्लिश करना है, धीरे धीरे हमको और मजबूत प्लेटफॉर्म को बनाते जाना है। इस बार दस्तक का अभियान 10 मार्च से 24 मार्च तक का है और जो संचारी रोग का है वो तो पूरा महीना है, 1 मार्च से 31 मार्च तक का। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि वो 28 को अगर संभव हो तो इसको लॉन्च कर दें, 1 से हमारा शुरू हो रहा है, 28 को उसके लॉन्चिंग हो जाए या जैसा वो उपयुक्त समझेंगे 1 तारीख को हो जाए, तो मैं भी उनसे निवेदन करूंगा। दस्तक में इस बार कुछ नए कंपोनेंट्स जोड़े गए, जो नए कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं दस्तक में, उसमें एक तो जो ट्यूबरकुलोसिस का जो है, जो हम लेते हैं सैंपल वगैरह करते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं,
उसको भी इंटीग्रेट किया गया है, और जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है उसको भी इंटीग्रेट किया है। जो नई चीजें हैं वो ये तो है कि और एनडी के भी जुड़े हैं, और अब सर आपके निर्देश अनुसार हम आईएफए का भी वितरण इसी में जोड़े। अच्छा, तो देखिए दस्तक में कई चीजें इस बार जुड़ गई हैं। एक तो जुड़ गया आपका वो बता दीजिए, एक तो आपका जुड़ गया इसमें ट्यूबरक्लोसिस है ना, एक जुड़ गया आपका इसमें जो बच्चे छूट जाते हैं, जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन, तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, एक जो है इसमें जो नेशनल डिवर्मिंग डे के लिए जो हम वितरण करते हैं टैबलेट्स का, एल्बेंडाजोल का, उसका वितरण भी आपको मैंने मैसेज भी किया था, वो जो फरवरी में होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और ये 10 से 24 के बीच में जिन जिलों में, संभवतः 25 जिलों में होना है, तो ये 25 जिलों में 10 से 24 के बीच में ही होगा जहां जो टैबलेट्स का वितरण होना है। इसके अलावे जो आईएफए टैबलेट्स का वितरण है वो भी पूरे प्रदेश में होगा इस दौरान 10 से 24 के बीच में। तो ये कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। दस्तक को हम लोग धीरे धीरे एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में बनाएंगे, जोड़ेंगे। तो जो आपने सुना, प्रधानमंत्री जी ने भी हाल में कहा और मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि हम ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक अपने स्टेट से एलिमिनेट कर देंगे, हम उसमें सफल हो जाएंगे। और एक सुझाव मेरा और भी है कि अगर आप लोग ये प्रारंभ करवा सकें कि जो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं उनको कुछ नहीं है, हर आदमी बंद घूम रहा है, अगर जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं अगर वो मास्क यूज करें, और अच्छा हो कि उनको आप रीयूजेबल मास्क दे दीजिए ताकि वो अपना साफ करके उसको यूज करते रहे, टीबी का जो है संक्रमण बहुत जल्दी हम रोक सकेंगे। तो ये भी जरूर करिएगा। तो ये तो बात थी आपके दस्तक वाली, और ये बात आपसे हमने की पीसीपीएलडीटी की, जिसके बारे में मैं डीएम्स को भी मैसेज करूंगा, और बहुत जल्दी हम लोग उसके कोऑर्डिनेटेड पूरे स्टेट में हम लोग चेकिंग वर्किंग करवाएंगे, उसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूंगा। तीसरी बात जो मुझे इम्पोर्टेंट कहनी है वो ये है कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने यह अनाउंस किया कि हम 1 मार्च से पैडल हॉस्पिटल्स में भी शुरू होगा और 60+ का शुरू हो जाएगा, और 45 से 60 का जो कोमॉर्बिड होंगे उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा। ये आपने आपने पढ़ लिया होगा समाचार पत्रों में या टीवी पर भी आ गया कल, तो आपने देखा होगा। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन होता है अभी तक हम बृहस्पतिवार और शुक्रवार को करते हैं, तो मार्च में हमारा पहला दिवस जो है वो 4 मार्च है, जिसमें कि सेकेंड डोज है 4 मार्च को। 4 मार्च को हेल्थ केयर वर्कर का है कि उसका है भाई साहब? सेकेंड डोज हेल्थ केयर वर्कर का ही सेकेंड डोज है। 5 से फिर फ्रंटलाइन वर्कर का शुरू हो जाएगा। 5 को दोनों का, हेल्थ केयर वर्कर का भी है। अच्छा, फ्रंटलाइन में शुरू किया था ना 5 को? हाँ, अच्छा 5 को उसका भी था और शुरू किया था, ठीक है। तो ये जो 4 को जो सेकेंड डोज होना है, तो 4 के साथ साथ सेकेंड डोज के साथ साथ ही हम 60+ के जो वैक्सीनेशन होना है और 45 से 60 के बीच जो कोमॉर्बिड उनका होना है उनका हम सॉफ्ट लॉन्च करेंगे 4 मार्च को। और आपसे हमने सेशंस वगैरह के सेशन साइट वगैरह सब बनवा लिया है, सबका आ गया, 75 जिलों का आ गया आपके पास? जी सर, सब पूरी लिस्ट आ गई, दे दिया पूरी लिस्ट आ गई ना, लिस्ट है सारी। जी सर, हाँ। तो अभी हम जो आपसे हमने मंगवाया था कि 15 दिन में आप कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो उतने सेशन अभी हम 4 को शुरू नहीं करेंगे, 4 में हम सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, और इसके बारे में डिटेल्स आपको हम एक आध दिन में बताएंगे